ये सब्जी वालों का अलग ही खेल है। मतलब आम ले लो, कांदा ले लो, पता नहीं क्या बेचते रहते हैं। मेरे वीडियो खराब कर दिए। हाय एवरीवन, आज की वीडियो स्पेशली बनाई है मैंने अपनी गर्ल्स सब्सक्राइबर्स के लिए, बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ मेकअप हॉल शेयर कर लो या फिर मेकअप लुक शेयर कर लो। तो फिर आई थॉट कि एक छोटी सी हॉल वीडियो बनती है। मैंने ना एक फन फैक्ट बता दूँ, ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने इस वीडियो को शूट किया था, सारी फुटेज डिलीट हो गई और मैंने सोचा कि वीडियो तो शूट हो गई, तो मैंने सबके वो रैपर्स इन पैकेज उठा फेंक दिया मुझे डस्टबिन में। उसके बाद मैंने जब फ़ोन चेक करा तो मुझे पता चला कि सारी फुटेज सब डिलीट हो गया, बिकॉज फ़ोन की स्टोरेज नहीं है। गरीब लोग, मेरे पास स्टोरेज नहीं है। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मुझे PR पैकेजेस में आए थे और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने खुद बाय करे हैं, तो जस्ट ऐसे ही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो मेरे पास कुछ बहुत बड़ी बड़ी आई शेडो पैलेट, ब्लश पैलेट्स एंड ये तो बहुत ही स्पेशल है। ये चाइना से डायरेक्ट चाइना से पैकेज आए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मुझे चाइना डायरेक्ट चाइना से क्या आया है मेकअप में, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ऑल राइट, लेट्स बिगिन द वीडियो। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर मैं स्किन केयर शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्किन केयर शेयर करने लग गई तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकअप। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज आई ऑर्डर्ड अ प्राइमर। ये है स्विस ब्यूटी का प्राइमर। दिस इज लाइक फोकस नहीं हो रहा या इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लाइक गोल्ड कैप है एंड यू नो, और ये बहुत यू नो हाइड्रेट एंड इल्यूमिनेट कर देता है स्किन को, लाइक एकदम से आपको पता चल जाएगा। सो ग्लॉसी, वाओ, गोल्डन टिंट है ये शेड नंबर। मैंने इसको सिर्फ अभी तक एक ही बार यूज़ किया है क्योंकि अभी समर्स हैं और समर्स में ऐसे ग्लोई और ड्यूई मेकअप मुझे मैट मैट पसंद है, बट विंटर्स में आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। द सेकेंड थिंग दैट आई गॉट इज फाउंडेशन, एले गर्ल का फाउंडेशन। एंड मेरा शेड गलत आ गया, आई सिलेक्टेड शेड नंबर 2 नेचुरल। नहीं करना चाहिए था, आई विश मैंने फर्स्ट नंबर शेड ही मंगवाया होता। ये बिल्कुल डार्क है मेरी स्किन से एंड यू नो ये मेरे हैंड पे भी फाइ सोचना, ये बहुत डार्क है सी, अभी लग नहीं रहा है यार। ऑरेंज है, डार्क भी नहीं है सी, ऑरेंज है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज है एंड मैं येलो अंडरटोन हूँ, तो आई विल यूज़ दिस कि मैं थोड़ा सा इसमें दूसरा शेड मिक्स करके, थोड़ा लाइट शेड मिक्स करके यूज़ करूँगी क्योंकि वैसे तो ये ओ गॉड ये ब्लेंड करो ना तो भी ये ऐसे डिफरेंस पता चल जाएगा आपको मेरे हैंड पे, यहाँ पे रॉन्ग शेड। जबकि मैंने कितनी रिसर्च की थी, मैं कुछ भी खरीदने से पहले ना इतनी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, इतनी रिसर्च करती हूँ कि मेरा शेड ना गलत आ ना जाए, बट ये गलत आ गया यार, आई एम सो सैड। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था एक बहुत ही अच्छी चीज़, दैट इज़ फिट मी का पाउडर। ये मैं पहले से भी यूज़ करती हूँ तो मैंने ये रीस्टॉक किया है। दिस इज़ द शेड 15 लाइट एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पाउडर। ये बहुत अच्छा है, बताने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं इतना रिव्यू एंड इतना रेव करते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली गुड, बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे वो वाली चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे purple.com ने एज अ PR पैकेज सेंड करी थी, क्योंकि मैं उनके लिए कॉन्टेंट वगैरह क्रिएट करती रहती हूँ तो वो मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेंड कर देते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उसके। द फर्स्ट थिंग आई गॉट इज स्विस ब्यूटी, सॉरी स्टे क्वर्की का कंसीलर। कैन यू सी दिस मिनी कंसीलर, ये बहुत ही क्यूट है, मुझे ये सच में बहुत पसंद है। मतलब सारा सामान ना इधर रख लेती हूँ। दिस इज स्टे क्वर्की का मिनी कंसीलर, कैन यू सी कितना क्यूट है। एंड इसकी पैकेजिंग, इसका एप्लीकेटर इज लाइक वाओ, छोटू सा एप्लीकेटर एंड इट इज़ वेरी गुड, लाइक फॉर बिगिनर्स आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। बहुत अच्छी कवरेज है एंड बिगिनर फ्रेंडली है, आराम से ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत अफोर्डेबल है ऑफकोर्स। द सेकेंड थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम पर्पल इज टेक वर्की का लूज पाउडर। दिस इज ट्रांसलूजेंट पाउडर, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। ये मैं पहले भी यूज़ करती थी तो ये रीस्टॉक हो गया एक तरीके से मेरे पास, पहले से यूज़ करती एंड लेट मी टेल यू कि ये तो बहुत अच्छा है, ये भी इसकी टक्कर का है। लेट मी टेल यू दिस, मेबलिन इज यू नो इज़ अ गुड ब्रांड एंड स्टेक वर्की इज ऑल्सो वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है, वाइट कास्ट नहीं छोड़ता आपके फेस पे एंड सेट कर देता है अच्छे से एंड वेरी अफोर्डेबल, लाइक उसके कंपेरिजन में दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। इफ़ यू आर अ बिगिनर और आपको लूज पाउडर्स चाहिए तो स्टेक वर्की का यू कैन ट्राई, अच्छा है। नेक्स्ट थिंग दैट आई री स्टॉक, दिस इज नॉट फ्रॉम पर्पल, मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। ये मैं पहले से यूज़ करती हूँ, आई री स्टॉक इट एंड उसके अलावा मुझे पर्पल से मिले हैं ब्लशर्स, दीज आर फ्रॉम स्टेक वर्की। कैन यू सी दीज आर इन द शेड, ये वाला शेड नंबर 4 स्टेक वर्की का रोज कार्लेट। कैन यू सी
सी बहुत अच्छा है, अच्छा कलर है, बहुत कम पिगमेंटेशन है इस वाले की, मुझे इसलिए ये वाला अच्छा लगता है, मुझ पर वही सूट करता है। द सेकंड वन इज़ वेरी डार्क फॉर माय स्किन, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डस्की साइड पे है, दिस विल लुक ब्यूटीफुल ऑन यू। बट मेरे ऊपर ना, मैं मिक्स करके कर लेती हूँ, बट अकेले इसको तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, बट इट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी पिगमेंटेड, लेट मी स्वॉच, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है उसकी, लाइट है दूसरे वाले की। सो द नेक्स्ट थिंग फ्रॉम पर्पल इज दो लिप क्रेयॉन्स। दिस वन इज इन द शेड टग ऑफ वॉर 8। दिस इज अ ब्यूटिफुल पिंक कलर, बहुत सुंदर है ये, आई लव। और मैंने भी शायद अभी यही अप्लाई किया ना, हाँ भी यही किया था, सी बहुत सुंदर है। अगर पिंक ना होता इस दुनिया में मेरा क्या होता, कैन यू सी पिंक पिंक, मैं तो पिंक की फैन हूँ, लाइक पिंक कलर ना होता इस दुनिया में तो मेरा क्या होता। दिस इज द अदर शेड दैट आई ऑर्डर्ड, कैन यू सी, दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल न्यूड ब्राउन शेड, नेवर हैव आई एवर टाइम 3, शेड नंबर 3 फ्रॉम पर्पल के हैं ये, पर्पल लिप क्रेयॉन्स, वेरी क्रीमी, वेरी मैट एंड अच्छे हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ड्राई आउट कर देते हैं आपके लिप्स को या फिर ग्लॉसी ग्लॉसी, या परफेक्ट परफेक्ट फॉर्मुलेशन। और मैंने और भी लिपस्टिक्स ऑर्डर की थी, वो हैं स्टे क्वर्की की, मुझे ये वाला शेड बहुत अच्छा लगा था, मैंने ये देखा था किसी यूट्यूबर को लगाते हुए, एंड दिस इज शेड नंबर 14 स्पाइसी गर्ल पिंक, ब्यूटिफुल पिंक, बहुत ही ब्यूटिफुल पिंक है, ब्राइट, एकदम ब्राइट वाला पिंक है। अदर शेड इज ही इज़ नॉट माइंड 10, और ये भी ब्यूटिफुल न्यूड, लाइक मुझे या तो न्यूड्स बहुत अच्छे लगते हैं या तो मुझे पिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, और पिंक अगर न्यूड हो तो क्या ही बोलती रहती हूँ मैं, मुझे कुछ समझ आता है, मुझे लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एंड नाउ, अच्छा एक चीज़ तो रह गई, सो इस ब्यूटी का कंसीलर, ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, मैं एनी वेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस कंसीलर, बहुत अच्छा है ये, शेड नंबर 2 ऑर्डर किया है मैंने। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मुझे चाइना से डायरेक्टली पैकेज भेजा है आई मैजिक ने। इफ़ यू ऑल नो कि आई मैजिक एक बहुत ही अच्छा मेकअप ब्रांड है, उन्होंने मुझे डायरेक्टली पीआर पैकेज सेंड करा है, मैं तो मान ही नहीं सकती, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअली में आई मैजिक मुझसे कोलैब कर रहे हैं, मुझसे ऐसा क्या है मेरे अंदर, बट मुझे पीआर पैकेज आया है। और फर्स्ट थिंग उन्होंने भेजी है मुझे ये फाउंडेशन, दिस इज मैट फाउंडेशन, प्रो लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन इन द शेड 120, और डार्क है ये मेरी स्किन टोन से, बट ठीक है, मैं इसको कैसे ना कैसे करके यूज़ कर ही लूँगी, सी मतलब फुल कवरेज है, कैन यू सी, एक तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, आज मैंने इसे यूज़ किया हुआ है अपनी स्किन पे, और मैंने तो ऑयल लगा के किया था, बिकॉज दिस इज़ इतना मैट कि ये ब्लेंड ही नहीं होता, मतलब अगर मैंने डॉट लगाया वो वहीं पे रुक जाएगा, वो ब्लेंड ही नहीं होता, सो मैंने इसमें बहुत सारा ऑयल मिक्स किया एंड फिर लगाया, तो फिर इट इज़ लाइक लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली। सेकेंड थिंग आई गॉट इज आई मैजिक का आई लाइनर, दिस इज़ अ स्केच आई लाइनर, मेरा हाथ तो ड्राइंग ही बन गई है पूरी, कैन यू सी, एंड इफ़ यू वॉन्ट पतली लाइन तो यू कैन डू दिस, आई लव स्केच आई लाइनर्स, बहुत ईजी होते हैं वर्क करने के लिए, इफ़ यू आर अ बिगिनर या प्रो भी हो तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट दे सेंट मी 2 लिप शेड्स, पिंक एंड न्यूड, कैन यू सी, हर चीज़ में 2 ऑर्डर करती हूँ और हर चीज़ में एक पिंक और एक न्यूड होता है, दिस इज़ माई, ये तो बहुत ही सुंदर शेड है, मैंने कल वाली वीडियो में लगाया था, सी ये सेम नहीं है, ओ ये सेम, हाँ ये बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला, दूसरा है ये कहाँ सोच करूँ, ओ ये तो दिख ही नहीं रहा, मिक्स करके यूज करें, काफ़ी लाइट न्यूड है, बहुत लाइट न्यूड शेड है, बट अच्छा है, कर लेंगे मिक्स मूस करके, मैं तो सब यूज कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई गॉट अ ब्लश पैलेट फ्रॉम आई मैजिक, दिस इज देयर टच ब्लश पैलेट, एंड ये इतने लोगों के पास होता है ना, लाइक मैंने कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट को भी देखा है, कैन यू सी द शेड रेंज, बहुत ब्यूटीफुल शेड्स हैं, पिंक्स एंड पीचेस एंड ब्यूटीफुल पैलेट, एंड उन्होंने मुझे आई शेडो पैलेट भी सेंड किया, दिस इज देयर 40 आई शेडो पैलेट, वेरी नाइस पैकेजिंग, टेक्सचर्ड है ये, बहुत अच्छी है, एंड लेट मी शो, बस देख लो, दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़, ये बीच में से ऐसे द्वार खुल जाते हैं इसके, एंड मैंने, कैन यू सी, मैंने ये कल यूज़ किया था, ओके तो ये बहुत सुंदर है, कैन यू सी द शेड, एंड ये बहुत छोटी है, मतलब ये मेरा हैंड है और ये देखो मेरे हैंड के बराबर है ये, देख मैं हैंड छुप गया, बहुत छोटी है, मुझे पिक्चर्स में एंड दूसरों की वीडियोज़ में लगता था
इतनी बड़ी पैलेट है, बहुत छोटी है ये, बहुत छोटी पैलेट है, बहुत क्यूट है, ट्रैवल फ्रेंडली है, अगर मैं कहीं ट्रैवल करूँ मैं उसको आराम से लेके जा सकती हूँ। एंड यू नो कि मुझे कलर्स कितने पसंद है, तो मैं कलरफुल लुक्स ही क्रिएट करती हूँ। नेक्स्ट आई हैव अ वेरी अमेजिंग पैलेट, ठीक है ना, ये मुझे किसी इंस्टाग्राम स्टोर ने सेंड किया है, यू कैन बी आई मैजिक की तरह, यू कैन बी भी एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड है, उन्होंने मुझे ये सेंड किया, दिस मेकअप पैलेट, दिस इज देयर एग्जॉटिक फ्लेवर्स फ्रॉम यू कैन बी एंड दिस इज द पैलेट। ऑफकोर्स मुझे कलर्स पसंद है, तो मुझे ये बड़ी सी, ये तो बहुत ही बड़ी है लुक, ये छोटू सी और ये बड़ी सी, ये बहुत बड़ी है एंड ब्यूटिफुल पैलेट, मैंने आज इसी को यूज़ किया हुआ, ये जो आई मेकअप देख रहे हो इसके ये नियॉन कलर्स है ना, आई जस्ट लव, कैसे पकड़ूँ, ये नियॉन कलर्स है ना, आई लव देम। एंड लास्ट थिंग जो उन्होंने मुझे सेंड करा, दैट इज़ ब्यूटी ग्लेज्ड का आई लाइनर अगैन, ये भी आई लाइनर पेन है, स्केच पेन, एंड इसके एक साइड पे आई लाइनर, एक साइड पे मस्कारा है, अमेजिंग। ऐसे थोड़ा ब्यूटी ब्लॉगर्स वाले फील आ जाती है बस, और कुछ नहीं। एंड मैंने इनमें से कुछ कुछ यूज़ किया, कुछ कुछ यूज़ नहीं किया बिकॉज लॉकडाउन, एंड आई एम वेटिंग कि लॉकडाउन खुलेगा तब मैं इन सबको यूज़ करूँगी एंड मेकअप लुक्स क्रिएट करूँगी एंड आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मैंने इसमें स्किन केयर इंक्लूड नहीं किया था, इफ़ यू वॉन्ट कि स्किन केयर भी इंक्लूड करूँ, वो भी आया था, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं स्किन केयर भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बस यही था मेरा हॉल, ठीक है ना, ख़त्म हो गया है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके।